अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिश इमरान फ्रॉम स्टेशनरी स्टोरीज़। आज हाज़िर हुआ हूँ जी हमारी पेंसिल की सीरीज़ की वीडियो नंबर 9 लेकर। और आज हम जिस पेंसिल का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पेंसिल का नाम ग्रीनो है और ये रबड़ के साथ आती है और हेक्सागोनल शेप में है। बाकी इसकी कंपनी कौन सी है और इस पेंसिल के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो रिक्वेस्ट की है आप लोगों से कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इस पेंसिल की सारी क्वालिटीज़ के बारे में पता चल सके। और रही बात इसकी क्वालिटी की, तो वो हम इसका रिव्यू करके देखेंगे कि ये लिखने में कैसी है। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आती है, ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये देखें, तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त से ग्रीन कलर की बॉडी में आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है इसका, वो नंबर वन ये है कि इसकी जो कलर है अंदर से, हम जिसको वुड समझते हैं, वो ब्लैक कलर का है। तो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा, पहले मैं आपको पेंसिल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह की पेंसिल है और ग्रीन कलर की बॉडी में आती है ये, ठीक है। और ये देखें, ये साथ ग्रीन कलर के ही इरेज़र में आती है, इसके टॉप पर ग्रीन कलर का इरेज़र है। तो इरेज़र की क्वालिटी बस नॉर्मल लग रही है। पेंसिल की बात की जाए तो पेंसिल की क्वालिटी ठीक लग रही है। और जब मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा तो आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो पहले इसकी क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे उसकी बात कर सकें। तो अब इसको जो है मैं आप लोगों के सामने शॉप कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा शॉपनर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेंसिल हेक्सागोनल शेप में आती है, यानी कि छः कोनों वाली पेंसिल है, ये ट्रायंगुलर शेप में नहीं है। और दूसरा ये है कि, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, कि इसका जो अंदर से वुड है वो ब्लैक कलर का है। ये भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा चलें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता आप लोगों को। ये भी पॉलीवुड पेंसिल है, तो इस वजह से जो है इसका अंदर से जो वुड है पॉलीवुड, वो ब्लैक कलर का है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देता है। पेंसिल शॉप करते करते टूट गई, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये पॉलीवुड पेंसिल में अक्सर ये मसला आ जाता है क्योंकि वो बेसिकली प्लास्टिक के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। तो दूसरी ट्राई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। पहली पेंसिल तो शॉप करते करते ही टूट गई है। तो पॉलीवुड पेंसिल का ये जो ड्रॉबैक है वो साथ साथ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। तो अच्छा, तो जनाब ये पेंसिल एक ख़ास हद तक शॉप हो रही है, इससे ज़्यादा शॉप नहीं हो रही। तो शायद शॉपनर का कोई इशू हो, लेकिन शॉपनर का इशू बाकी किसी पेंसिल के साथ नहीं आया। तो इसकी क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास नहीं है, इन्होंने कलर सलर पे तो ज़्यादा वो कह लें ध्यान दिया हुआ है, लेकिन क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास नहीं है। खैर, जितना भी सिक्का बाहर आया उसे लिख कर देख लेते हैं। ये टूटी पेंसिल मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये रही, और ये आ गया हमारा पेपर। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप यकीन करें, मुझे यकीन नहीं था कि ये लिखेगी, उसकी वजह के लेड बाहर नहीं आया सारा। लेकिन चलें, कंपनी की मेहरबानी है कि उन्होंने इतनी तो क्वालिटी डाल दी कि पेंसिल एटलीस्ट पेपर पे लिख सके। तो रेज़र की क्वालिटी बस ठीक है, लेकिन इसको रेज़र इरेज भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि कहीं ये टूट ना जाए,
आप देख ये देखिए, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया और ये टूट गई है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कह लें कि बुरी है और मैं बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ और ना ही मैं इसको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे परचेज़ करें अपने बच्चों के लिए। तो बहरहाल अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस जनाब ये आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में पूरे पाकिस्तान की मार्केट से मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसकी कंपनी की, ये डियर कंपनी की ग्रीनो पेंसिल है जी, डियर कंपनी की ग्रीनो पेंसिल है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है और वेस्ट ऑफ मनी है, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ये पेंसिल परचेज़ करें। मैं इसकी प्राइस सुनकर और इसकी प्राइस का टैग देखकर इस पेंसिल को आप लोगों के लिए लेकर आया था और मुझे बिल्कुल इतना नहीं पता था कि ये इतनी बुरी कंडीशन में हमारे सामने आएगी। तो मैं आप लोगों को फिर कहूँगा, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसको अपनी बच्चों के लिए ख़रीदें। बहरहाल इसको थोड़ा सा क्लोज़अप में आपको दिखा देता हूँ। लेड इसका कुछ ठीक ही लिख रहा है पेपर पे, रबड़ की क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन ये पेंसिल टूट जाती है। तो मैंने आपको बताया ये पॉलीवुड पेंसिल है, ये आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको मूव आप करेंगे तो ये टूट जाती है, तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल बिल्कुल ही वर्स्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसको बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।